सबसे पहले एक चॉइस है, ये डॉक्टर जसबीर सिंह चावला जी अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, पंजाबी भाषा में और कितने भाषा? बस तिब्बत को छोड़। अच्छा, तिब्बती भी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। तो फिर किस भाषा में चाहिए आप लोग? हिंदी या टिबेटन? अच्छा, हिंदी। ओके, हाँ ठीक। तो डॉक्टर जसबीर सिंह चावला जी पिछले कुछ साल से परिचित थे। पृष्ठभूमि और कार्य क्षेत्र बहुत ही रोचक है। उन्होंने इंजीनियरिंग किया जिसमें सूक्ष्म टेक्निकलिटीज सीखे, और इसके बाद फिर ये मैनेजमेंट का कोर्स किया, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए हर चीज़ों के, और फिर कई इसमें स्टील कंपनी वगैरह में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में, डेवलपमेंट मैनेजमेंट के रूप में काम किए कई सालों तक। रिप्यूटेड कंपनीज में, और आपका फिर छात्रकाल से ही कुछ ग्रंथ लिखना और ये कहानी लिखना, इसमें प्रवृत्ति बहुत थी। और फिर 25 किताब जो है लिटरेरी क्रिएटिव राइटिंग्स इन हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश में था, और इसके साथ 2 बुक्स ऑफ टीचिंग एंड राइटिंग था, टीचिंग ऑफ टेक्निकल राइटिंग्स था, 4 बुक्स ऑन बुद्धिस्ट मैनेजमेंट पर था, और 100 यूट्यूब शॉर्ट फिल्म्स ऑन बुद्धिस्ट मैनेजमेंट पर हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इस पर। तो आपको फिर हिंदी इतर भाषा हिंदी लेखक पुरस्कार भी HRD के द्वारा ये आपको इससे सम्मानित किया गया था। वो विश्व सहस्राब्दी हिंदी सेवी सम्मान 2000 को आपको प्राप्त हुआ, और राष्ट्रभाषा रत्न बाय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 2001 में। तो इस तरह से आपके जो है सम्मानित भी हैं, और आपके काम भी बहुत सारे वो हैं। और एक जातक के अभी तक इस दृष्टि को, इस पहलू को लोगों ने नहीं देखा। जातक को एक मॉरल टीचिंग के रूप में जरूर ही लोगों ने पढ़ा, लोग इसको एक परंपरागत रूप से जातक के कहानियों से लोग सीखते हैं, अपनी जीवन की जो है तत्व सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें नैतिकता सीखते हैं, और जातक कथाएं जो है एक नैतिकता का एक स्रोत जैसे माना जाता है। लेकिन डॉक्टर चावला जी ने जातक कथाओं में मैनेजमेंट आपने देखा, तो मैनेजमेंट किस तरह से उसमें इंडिविजुअल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट और हर चीज़ के मैनेजमेंट आपको दिख रहा है, और फिर उसके अनुसार प्रबंधन के हिसाब से फिर जातक कथा के आधार पर कैसे फिर देखना चाहिए, सीखना चाहिए, इस पर आपका विशेष अभी ये रिसर्च भी, आपकी PhD भी इसी पर था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे यहाँ अगर फिर ये एक बार परिचय हो तो फिर बाद में देखा जाएगा कि फिर किस तरह के कुछ छात्रों के लिए वर्कशॉप भी हो सकता है, और जिस ढंग से छात्र चाहेंगे, डिपार्टमेंट्स चाहेंगे, उस तरह से किया जा सकता है। तो इतने ही संक्षेप परिचय के साथ में डॉक्टर चावला जी को माइक देता हूं ताकि आप अपना प्रस्तुति शुरू करें। तिब्बतन में थूजी छे कहना उचित होगा, और आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर साहब का, और जो भगवान बुद्ध की जो कृपा हुई है ना, इसलिए
नमो अरहतो भगवतो सम्मा संबुद्धस। तो इस पंक्ति से मैं शुरू करता हूँ और अपने आप को धन्य आज समझ रहा हूँ, इसलिए कि ये सारनाथ तो बगल में ही है। कभी ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था मैं, और तब यहाँ साइकिल लेकर के हम लोग आ जाते थे देखने के लिए, और आज सारनाथ में प्रभु की कृपा से इस रूप में आया हूँ कि उनकी पहली धर्म देशना यहाँ हुई। धम्मचक्र प्रवर्तन जो है, इतना ये पावन स्थान है कि यहाँ आकर के इंसान में वो भावनाएं जो हैं वो पुनः एक बार रूप लेती हैं। तो मैं जब आपके बीच यहाँ पर था पिछले दो दिनों से, और यही मनन कर रहा था कि मुझे वो जब प्रभु ने दिया है ये अवसर, तो इसका लाभ जो है मैं इस रूप में उठाना चाहता हूँ कि आपको उन कहानियों से परिचय करवा दूँ जो जातक कथाओं में हैं, जो आपको सचमुच में लगेगा कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हम लोगों ने आज तक उन कहानियों का मर्म पूरी तरह समझा नहीं था। उसका कारण है कि उन किताबों को 6 खंडों में है, वो 547 कथाएं हैं, विपुल भंडार है, लाइब्रेरीज में आप पाएंगे कि इसी तरह से रखी हुई हैं, और विहारों में जाएंगे तो सिर्फ धूप बत्ती जला के उनको प्रणाम कर दिया जाता है और बाकी उनका जो लाभ है वो नहीं लिया जाता है। तो आप सब से मैं एक तो पहले शुरू करने के पहले आग्रह कर दूं, मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना सबको? कठिन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरल से सरल हिंदी मैं व्यवहार करूं और धीरे धीरे बोलूं, क्योंकि मेरे तिब्बती मित्र रहे हैं। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे साथ मेरे मित्र थे, हिंदी बिल्कुल समझते थे, लेकिन जब मैं तेज़ बोलता था तो थोड़ा सा उनमें व्यवधान पैदा होता था। तो मैं कोशिश करूंगा कि यथासंभव धीरे धीरे बोलूं। अब जातक कथाओं से जो मुझे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रबंधन वाला, वो कहाँ से मिला? बहुत लोग सवाल पूछते हैं, अरे आप सिख हैं, इंजीनियर हैं, ये सब आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए? लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊँ कि मुझे उस कहानी ने, पढ़ तो मेरा बेटा रहा था और मैं कारखाने में काम करता था, जब वो कहानी देखी तो मुझे लगा अरे ऐसा तो प्लांट में हुआ था। ये इसने मुझे थोड़ा सा विचलित किया उस कहानी ने। उस कहानी का नाम है दद्धव जातक, और बहुत मशहूर कहानी है, प्रचलित कहानी, यहाँ तक प्रचलित है कि जो छोटे बच्चे हैं ना अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको एनिमल्स के नाम बताने के लिए वो उस कहानी का प्रयोग किया जाता है कि ये देखो ये एलिफेंट है, ये कैमल है, क्योंकि वो कहानी ऐसी है कि एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। पेड़ शायद बेल वृक्ष था, बेल आप जानते हैं, बेल फल होता है, थोड़ा बड़ा साइज का गोल सा होता, वो उसके ऊपर गिर पड़ा, पका हुआ था, गिर पड़ा, और ये इसे ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। तो अनहोनी को एक ऐसे बोल रहा है, धरती उलट गई, धरती उलट गई, है ना, और वहाँ से भागता है। तो कहानी इस रूप में आप देखेंगे कि बच्चों की किताबों में इस तरह लिखी हुई है कि धरती गिर गई और उसके उसको देख करके सब लोग भाग रहे हैं, एलिफेंट भी भाग रहा है, कैमल भी भाग रहा है, डियर भी भाग रहा है ना, इस तरह से पूरी एक बारात जो है एनिमल्स की चल रही है, और उसमें हमारे जो अंग्रेजी के टीचर हैं वो दिखाते हैं, देखो ये एलिफेंट है, ये कैमल है। आप समझ रहे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहानी का देखिए उपयोग किस ढंग से हो रहा है, माने एनिमल्स की जान पहचान करवाने के लिए बच्चों को कि देखो ये एनिमल, अब ये सारे एनिमल्स जो हैं वो भाग रहे हैं और आगे समुद्र है, सब समुद्र में गिर जाएंगे, लेकिन जो एनिमल का राजा है वो जब शोरगुल सुनता है तो वो शेर है, वो निकलता है, अरे रुक जाओ, किसने देखा है? तो बोला सर उसने देखा है, वो कहता उसने देखा है, वो कहता उसने देखा है, और बात आ गई खरगोश पर, खरगोश तुमने देखा? हाँ हाँ मैंने देखा है सर, चलो दिखाओ मुझे, और वहाँ जाके दिखता है तो वो एक बेल का फल है,
बोला यही धरती है तुम्हारी, यही गिर गई। तो कहने का अर्थ यह है, ये हमारे सोशल लाइफ में भी, इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह का कम्युनिकेशन गैप बनता है, बात कुछ भी नहीं होती है ना, उसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें जुड़ जाती हैं और एक पूरा केओस जिसको कहते हैं, है ना। और अभी आप देख ही रहे हैं भारतवर्ष में इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। तो इस कथा को समझने में आपको लगेगा कि देखिए ये कैसा माने सामंजस्य है इस कहानी में और आज की स्थिति में। तो बोधिसत्व जो है वहाँ शेर के रूप में मौजूद है, हर कहानी में आप पाएंगे, हर जातक कथा में कि एक बोधिसत्व आएगा। वो बोधिसत्व जो है वो निर्णायक रोल करता है, वो एक बहुत अच्छा मैनेजर है। मैं उसको अपने मैनेजमेंट एंगल से देखता हूँ तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा मैनेजर है, और ये हमेशा स्थिति का जो समाधान ढूंढता है, और एक ऐसा समाधान ढूंढता है जो सबको संतुष्ट करता है ना। ये मैंने अपने शोध में इस तरह से मैं बोधिसत्व करता हूँ। बोधिसत्व को मैं किस रूप में, किसी अवतार के रूप में मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ बोधिसत्व एक बहुत अच्छा मैनेजर है जो सम्यक का निर्वाह करता है। सम्यक, उसकी मैं अभी आपको डेफिनेशन दूंगा, सम्यक का निर्वाह करता है और वो सारे पक्षों को संतुष्ट करता है। तो जब इस कहानी पर मैं आया, मैंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल इंडस्ट्रियल लाइफ वाली कहानी है। अब जब आप जातक में आएंगे, जातक में जब आप आएंगे, इस कहानी को देखेंगे सचमुच में, है ना, वो सचमुच में दिखाने के लिए मैं ये किताब भी लाया हूँ आपको। इस इतनी मोटी किताब है जातक, ऐसे 6 वॉल्यूम हैं, 6 ग्रंथ हैं, तो उनमें एक जातक कथा भी है, दद्दभ जातक, है ना। अब ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में ने छापी है, मूल आपको पता है पाली में लिखी गई थी, पाली से फिर ये ग्रंथ हिंदी में अनुवाद हुआ है, और हिंदी अनुवाद में ये कहानी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। सिर्फ एक फर्क आएगा, वो फर्क ये है कि आपको एक पहले वर्तमान कथा मिलेगी। अब देखिए जातक कथा जो कही जाती है, अट्ठ कथा, तो उसकी एक शैली है। शुरू में पहली पंक्ति में आएगा कि ये कहानी भगवान जब जेतवन विहार में चारिका कर रहे थे, या जब उनका, या वेणुवन में है, भगवान यानी भगवान बुद्ध शास्ता के रूप में मौजूद हैं। आपको पता है हर विहार में वो शास्ता का क्या पद होता है, प्रिंसिपल टीचर कहिए, एडमिनिस्ट्रेटर कहिए, वाइस चांसलर कहिए, यानी वो सर्वे सर्वा है ना। तो पहली लाइन इस ये सूचना रहती है कि भगवान बुद्ध कहाँ पर थे उस वक्त जब ये कहानी बनी। उसके बाद वर्तमान कथा, तो वर्तमान कथा में आता है जो समस्या होती है। वर्तमान कथा को पाली में कहते हैं पच्चुपन्न वत्थु, है ना, और उसमें वो बात रहती है कि जहाँ से इस कहानी का जन्म हुआ। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कहाँ पर कि कहानी ये दद्दभ जातक कैसे बनी। विहार, जेतवन विहार के जो भिक्षु हैं वो श्रावस्ती में जाते हैं भिक्षाटन के लिए। वहाँ और भी बहुत से मत हैं, आजीवक हैं, तैर्थिक हैं, तमाम तरह की और भी दूसरे संप्रदाय वाले हैं, और उनके भी भिक्षु हैं, श्रमण और भी दूसरे संप्रदायों से भी हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं, जैसे अब हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे से बात करते हैं उस तरह से। तो वो उनको कहते हैं कि देखिए हमको तो पंचाग्नि यज्ञ बताया जा रहा है, हमें तो इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं, तुम्हारा गौतम क्या बता रहा है, है ना। क्योंकि उस समय इनका वो संघ का जो प्रचार है, धर्म का प्रचार है, वो अभी बिगिन हुआ है, शुरू हुआ है, बहुत सारी बाधाएँ हैं। तो इनके भिक्षुओं को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें हैं कि अरे तुम कहाँ भिक्षा के लिए मांग रहे हो, हमको तो कोई भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती है, हमारे तो पंचाग्नि यज्ञ होता है, हमको इतना बढ़िया बताया जा रहा है और हम इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लिए वगैरह। इस तरह की बातें जब वो लोग लौट के आते हैं भिक्षु, तो आपस में करते हैं, इसको बोलते हैं धर्म सभा। तो धर्म सभा में उनकी ये बातचीत चल रही है, और शास्ता आकर के पूछ लेते हैं भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही है। आपको ये लाइन हर कथा, हर अट्ठ कथा में मिल जाएगी, भिक्षुओं क्या बातचीत चल रही, यानी अब आपके सामने वो जो समस्या है वो आ रही है।
तो भिक्षु ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसा शास्ता बनते, हम लोग बाहर गए थे, ऐसी ऐसी लोग बात कर रहे हैं। यानी अब बुद्ध जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उनको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो अनुयायी हैं इनको अलग अलग तरीके से बरगलाया जा रहा है ना। कोई कुछ कह रहा है, कोई सच्चाई है या नहीं है इसका इनको क्या पता। इसलिए उनको ये कहानी सुनाना जरूरी है ताकि उनका चित्त स्थिर हो सके कि जिस राह पर आप बुद्ध शासन में हैं आप इस चीज़ को समझिए। बाहर वाले अजीवक क्या कह रहे हैं, तैर्थिक क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्राप्त हो गया वैसा, बहुत कुछ बंडलबाजी है ना, बहुत कुछ इसी तरह से बेवकूफ़ी में, तो कहीं उसमें फंस मत जाइएगा। इसलिए ये कहानी उनको सुनाई जा रही है कि देखो सचमुच में क्या है, धरती गिरी है ना, वो धरती नहीं है, वो तो बेलफल है। इस तरह से तुम बाहर जो कुछ सुन रहे हो इसको कम से कम वेरीफाई करो। ये नियम जो है वेरीफाई करने का, आज आप देखिए कि आज आपके सामने कितना सच है। इतनी एडवर्टीजमेंट्स आपके सामने आती हैं, आप वेरीफाई कीजिए। बहुत जगह तो क्या है कि बहुत महीन अक्षरों में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऊपर में लिखा होगा 0% है ना, वगैरह वगैरह, अट्रैक्ट करने के लिए। नीचे सच्चाई कुछ और होती है ना, तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अब ये इतना बड़ा मैनेजेरियल संदेश है कि आप कहीं भी उसको उपयोग अपने जीवन में, अपने कॉरपोरेट सेक्टर में, अपने हाउस मैनेजमेंट में, अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में आप इसको बाकायदा लागू, और हम लोगों ने इंडस्ट्री में बाकायदा इसको लागू किया कि भाई आप पहले वेरीफाई कीजिए, है ना। आप हड़ताल पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, है ना, कुछ आपने शुरू कर दिया, बात आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो ये एक संदेश जातक कथा से जब मुझे उस कहानी ने प्रेरित किया, और इस तरह से मैं शोध की तरफ लगा, फिर सारी कहानियों को पढ़ा कि भाई एक ही कहानी के आधार पर कह रहे हैं कि आप और भी कुछ है, हो सकता है एक कहानी ऐसी हो, जब आप शोध करते हैं तो आपको और भी कहानियाँ पढ़ी। तो नंदी विशाल जातक मैं दूसरा आपको दे रहा हूँ, बहुत पॉपुलर कहानी है इसलिए दे रहा हूँ कि जो आपके अनुभव जगत में आपने पढ़ी होगी बहुत जगह। नंदी विशाल में क्या होता है, एक बैल है ना, एक बैल है, वो जिस ब्राह्मण के पास में रखा गया है वो बड़ी गरीबी हालत में भी उसको पाल रहा है ना, बहुत अच्छा पाल रहा है। तो उसके मन में एक भावना आती है कि मुझे इसका ऋण उतार देना चाहिए, है ना। और वो कैसे कहता है कि तुम इस तरह से जाओ, शहर में एक सेठ है, उससे तुम ये बेट लगाओ कि 100 गाड़ियां माल की भरी हुई खींच, कौन बैल खींच लेगा, है ना, मैं खींच लूँगा, तुम मेरे ऊपर बेट लगा दो जाके। वो वहाँ जाता है मर्चेंट के पास और उससे कहता है कि हमारे यहाँ सबसे जो वो कारोबार था उसका उन दिनों, है ना, बैलगाड़ियों से ही होता था, तो कोई ऐसा है बैल जो कि 100 गाड़ियाँ, उन्हें ऐसा कभी नहीं हो सकता है, 100 गाड़ियाँ कौन खींच सकता है, तो कहा लगाओ बेट लगाओ। तो 1000 कारशापण की बेट लगाता है और वो 100 गाड़ियाँ तैयार करता है और इसको नंदी, इसका नाम होता है उस बैल का, उसको ले जाता है और उसमें जोतता है उसको। और जब उसको मतलब चलना होता है तो उस जगह कहता है कि अरे मूर्ख, है ना, या अरे उजड्ड, है ना, एक इस तरह का जो कि अपशब्द समझो, है ना, उसके आदर सूचक शब्द नहीं है वो, है ना, ऐसा उसको बेइज्जत करने वाला शब्द है, वो उस शब्द का इस्तेमाल कर लेता है। तो नंदी जो है वो टस से मस नहीं होता और ये जो ब्राह्मण है ये 1000 कारशापण हार जाता है और घर में आकर के बहुत दुखी होकर बैठा हुआ है। तो नंदी उसको कहता है कि क्या हुआ ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो। अब देखिए कहानी है ना, अब आप कहेंगे बैल कैसे बोल रहा है, तो कहानी को कहानी के रूप में देखिए। तो वो बैल उससे कहता है कि ऐसे आप चिंतित क्यों हो, है ना। तो वो कहता है भी चिंतित क्यों ना हो, वह तो गरीब आदमी और 1000 रुपये तुमने वैसे मेरे खर्च करवा दिए, है ना। तो उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, बचपन से तुम मुझे पाल रहे हो, मैंने कभी तुम्हारा कोई नुकसान किया है या कभी किसी को मारा है, कभी कुचला है, तो तुम फिर मेरे को जब चलना था तो वहां पर ऐसी गाली क्यों दिए, है ना। अब उसको भूल का एहसास होता है कि हाँ ये तो गलत बात थी। तो विशाल कहता है, नंदी विशाल, कि तुम अब 2000 की लगाओ, मैं खींचूंगा,
है ना तो वो फिर उसके पास जाता है और कहता है कि भाई मतलब ये खींच के दिखाएगा तुमको। तो बोला क्या पहले तुम 1000 हार ही चुके हो? बोला नहीं, इस बार 2000 लगाते हैं। तो सेठ सोचता है कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, तो 2000 आ ही रहा है, कौन सा एक खींच लेगा, है ना, ठीक है लगाओ। और इस बार जो है वो उसको बड़ा आदर सूच कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, है ना, या इस तरह से, है ना, काफ़ी उसको इनकरेज करके मोटिवेट करके, और वो अच्छे शब्द कहता है तो वो सारी गाड़ियों को एक ही धक्के में खींच लेता है। अब वो सेठ जो है वो 2000 रुपये हार जाता है, 2000 कारशापण। तो कहने का मतलब यह है कि इस कहानी ने क्या हमको कन्वे किया, बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई आपसे चाहे सबॉर्डिनेट है आपका, चाहे रिक्शे वाला है, जो भी है, लेकिन चाहे जितना भी नीच है, आप उसको अगर आदर सूचक शब्द देते हैं तो आपका क्या घट जाता है, है ना। तो पर्सनल मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि ये बात सिखाई जाती है, है ना। आज भी MBA में भी जब आप पढ़ते हैं तो भाई आप किसी को रेस्पेक्ट देना आपका बहुत ज़रूरी है। अब यही कहानी जो है आप देखिए इसमें आएगी नंदी विशाल जातक के नाम से, है ना। और अब आप कहेंगे कि ये इसकी वर्तमान कथा तो आपने बताई नहीं, ये अतीत कथा मैंने बता दी, इसको बोलते हैं अतीत वत्थु। अब इस कथा का जन्म कैसे हुआ ये जानना जरूरी है, तो इसके लिए आप वर्तमान कथा में जाएंगे। वर्तमान कथा में आता इस प्रकार है कि विहार में एक ग्रुप था भिक्षुओं का, षडवर्गीय भिक्षु उसको कहते थे, जेतवन विहार की बात है, बहुत सारे भिक्षु थे, उनमें एक ग्रुप था। अब हर जगह होता है कि सीनियर्स रैगिंग करते हैं जूनियर्स की, हमारी भी रैगिंग हुई थी, यहाँ हो सकता है आप लोगों की भी होती हो थोड़ी बहुत, मुझे नहीं पता। लेकिन बुद्ध शासन के अंदर भी, हालांकि बुद्ध का ये सख्त था नियम कि भाई सबको एक दूसरे का आदर करना है, आदर सूचक शब्द बोलना है, किसी की इस तरह से खिल्ली नहीं उड़ानी है, लेकिन हर जगह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कोई कोई टोन में भी ऐसा खींच देता है, है ना, जिससे आप चिढ़ते हैं आपको उसी हिसाब से चिढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि वो षडवर्गीय भिक्षु जो होते हैं बहुत शरारती होते हैं। तो वो एक उसमें एक था भिक्षु जो समझ लीजिए किसी गरीब घर का था या शूद्र जाति का था या छोटी जाति का, तो उसको उसी तरह से वो बुलाते हैं, जैसे एक एक नाम है पापक, है ना, तो भंते पापक, है ना। अब पापक को इस लहजे से वो बोलते थे कि अगला दुख जाता था, आप समझ रहे हैं, उसको ये लगता था कि मुझे ये मेरी बेइज्जती उड़ा कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अच्छा, कईयों को षडवर्गीय भिक्षु जो है उनके बाप के नाम से बुलाना शुरू कर देते, अभी वह फलाया है ना, या किसी की जाति के नाम से बुलाने, तो उससे वो उसको यानी अपमानित करते थे। षडवर्गीय भिक्षु तो सीनियर्स थे, अब वो जूनियर जो नए नए आते हैं, आपको बिहार में मालूम है कि श्रामणेर भी होते थे, सारी उम्र के भिक्षु वहाँ पर आते हैं, तो वो लोग जो हैं उनको इस तरह से अपमानजनक शब्दों में बोल रहे थे। अब इसकी रिपोर्टिंग जो है वो शास्ता के पास हो जाती है, शास्ता जो है उन षडवर्गीय भिक्षु को बुलाते हैं। देखिए मैनेजमेंट की एक स्टाइल में सबसे बढ़िया मुझे लगती है बुद्ध की, कि वो जब वो जो जिसके बारे में शिकायत होती है ना उसको बुलाते हैं, भिक्षु क्या तू सचमुच उत्कंठित है, या भिक्षु क्या तूने सचमुच में ऐसा किया है, ये पहले कन्फर्म करते हैं। हम लोग अपने इंडस्ट्रियल लाइफ में क्या करते थे, किसी ने आके बोल दिया बस एक्शन, अरे भाई एक बार कन्फर्म तो कर लो कि सचमुच में उस बेचारे की कोई गलती है कि नहीं है, है ना। ज़्यादातर हमारे मैनेजर इसी तरह करते, मैंने कोई भी आके उनका जो ट्रस्टेड आदमी है वो आके बोल दिया किसी के नाम से, बस चार्जशीट या उस पर उसका अंडर टाइम कर दो, है ना, अभी देर से आया था अंडर टाइम कर दो, हमारे यहाँ हाथ में होता था शिफ्ट इंचार्ज की अंडर टाइम करना, तो बिना जाने बिना वेरीफाई किए इस तरह का एक्शन ले लेते हैं, लेकिन बुद्ध ऐसा कभी नहीं करते। देखिए कितनी बड़ी मैनेजमेंट की टेक्निक है उनके पास, वो पहले उसको बुलाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने षडवर्गीय भिक्षु से पूछा कि भिक्षु क्या सचमुच में ऐसा, तो उन्होंने गलती स्वीकार की कि हाँ बनते ऐसा ऐसा ही है हम लोग इस ढंग से। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मैं आपको बताऊँ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे है। मान लीजिए कोई आपके सामने आके गलती स्वीकार करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंट्रोस्पेक्शन किया है, वो अपने मन में सोचा है और उसको एहसास हुआ कि नहीं काम गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, है ना, जब वो एक्सेप्ट करता है। अगर मान लीजिए नहीं एक्सेप्ट करता कि नहीं बनते मैंने ऐसा नहीं किया है, ये सब झूठ है इस तरह से करके, तो आपको एज ए मैनेजर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये चीज़ों का पता बता देगा, वो सब कुछ बताएगा आपको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये झूठ है ऐसा, तो आपके मैनेजमेंट में समझ आपके काम में वो इन्फॉर्मेशन काम की इन्फॉर्मेशन हो।
ये टेक्निक देखिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जातक में मैनेजमेंट का बहुत से गुर छुपे हुए टिप्स हैं। खैर मैं इस कहानी पर आता हूँ। तो षडवर्गीय भिक्षु कहते हैं कि हाँ सचमुच में भंते हमने ऐसा किया है। तब उसको ये कहानी सुनाते हैं कि भाई जब एनिमल्स भी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना, तो वो तो इंसान है, आप उसको इस तरह से अपमान करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, फिर तो वो आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, है ना। तो जब एनिमल्स भी इतना फील करते हैं तो होमोसेपियंस जो मैनकाइंड में जो हमारे बच्चे हैं क्यों कैसे नहीं करेंगे, तो आप ये अपमानजनक। अब इस कहानी का जो मूल तत्व है मान लीजिए वो आएगा गाथा में। तो गाथा जैसे अब आपकी धम्मपद की गाथाएं हैं, आप लोग तो खुद जानकार हैं, गाथा आपने पढ़ी हैं, गाथा का गायन होता है, तो हर कहानी में आप पाएंगे कि गाथा है। और उस गाथा में क्या है कि उस कहानी के बीज हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसी गाथा बनाने की क्या जरूरत थी, है ना, उसका कारण भी फिर मैंने खोजा सर, तो ये मिला कि धर्म कथिक जो होते हैं, धर्म, अब पूरी कहानी तो जैसे आपको बता दी, जो धर्म कथिक होते थे वो गाथा को याद कर लेते थे। अब बहुत जगह जाकर गाथाएं बतानी है ना, इस तरह की बात को समझाना है जिस तरह मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ, मुझे भी धर्म कथिक समझ लीजिए कि धर्म कथिक के रूप में मैं आपके बीच में आया हूँ, और वो गाथा सुनाते थे और गाथा को फिर एक्सप्लेन करते थे। इसलिए आप पाएंगे कि जातक का नाम है जातक अठ कथा, उस ग्रंथ का जो ग्रंथ जातक है उसका आप पाएंगे जो छपी है उसका है जातक अठ कथा, यानी उन गाथाओं का जो अर्थ है जो मर्म है वो उस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए कहानियों की जो टेक्निक होती है, शैली होती है, शैली में क्या है कि आपने पढ़ा होगा, हो सकता है ये जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे चंदा मामा की कहानियों में बेताल की कहानियाँ, तो उसमें देखिए शुरू में आता था, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों ना, वो उसमें शुरू में लिखा होता था कि राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से शव को उठा के अपने कंधे पर रख लिया और वो चल पड़ा, और वो जो शव है उससे रास्ते में कहता है कि राजन तुमको थकान महसूस ना हो इसलिए एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, इसके बाद मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, अगर तुमने प्रश्नों का जवाब सही सही नहीं दिया तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये शुरू की चार पंक्तियाँ जो है ये हर कहानी में मिलेंगी आपको, ये एक स्टाइल है। इसी तरह से जातक कथाओं में ये स्टाइल है कि राजा ब्रह्मदत्त, वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के शासनकाल में बोधिसत्व इस रूप में था। 547 कहानियों में आप ये आपको स्टाइल कॉमन मिलेगी, एक राजा का नाम होगा, एक राज्य का नाम होगा और उसके बाद बोधिसत्व की चर्चा होगी। तो बोधिसत्व जो चरित्र है हर अतीत वत्थु में, यानी हर अतीत कथा में आपको बोधिसत्व एक चरित्र के रूप में आएगा, वो समस्या का समाधान करेगा। किस समस्या का? जो वर्तमान कथा में अभी मैंने बताया दो समस्याएं आपके सामने रखी, इस तरह की समस्याएं जो शास्ता के सामने लाई जाती हैं उसका वो समाधान करते हैं। कैसे करते हैं? एक कहानी बताकर, अतीत वत्थु एक बताएंगे, उसमें बोधिसत्व नामक चरित्र आपको उस समाधान का नायक होगा। अंत में कह दिया जाएगा जातक अठ कथा के अंत में कि बोधिसत्व कोई और नहीं मैं ही था। ठीक है, अब इस जो वाक्य से जो पाठक है वो भ्रमित हो जाता है कि इसका मतलब बुद्ध का ये जन्म इस रूप में हुआ था। देख रहे हैं, जैसे अब आप देखिए नंदी विशाल जातक है उसमें बोधिसत्व जो है वो बैल के रूप में। अब हमारे जैसा जो मूर्ख पाठक होगा वो कहेगा कि इसका मतलब भगवान बुद्ध एक जन्म में बैल थे, है ना, ये कहानी नंबर 220 है, 220वें जन्म में वो बैल बन गए थे। फिर अगली कहानी 221 आएगी उसमें सुअर के रूप में बोधिसत्व है, तो
221 में फिर सुअर हो गए, बैल से सुअर हो गए, फिर सुअर से वृक्ष बन गए। अरे भाई मेरे, ये आप ऐसा मत सोचिए, ये अतीत वधु एक केस स्टडी है, एक प्रबंधन के लिए, प्रबंधन का मार्ग दिखाने के लिए एक रचना बनी, एक कहानी बनी, उसमें बोधिसत्व को इस रूप में चित्रित किया गया। और बोधिसत्व जो कह रहा है उसमें भगवान बुद्ध की सम्मति है, यानी बोधिसत्व जो कह रहा है या जो कर रहा है, भगवान कहते हैं कि यही सही तरीका है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, और भी कहानियों का जब आप विश्लेषण करेंगे, एक कहानी है वेरी जातक। अब आप लोगों ने अनाथ पिंडक का नाम सुना, अनाथ पिंडक हमारे यहाँ गेस्ट हाउस भी है, कितने बड़े दाता थे, दानी थे, है ना, उन्होंने जेतवन का दान दिया, आप सबको मालूम है। तो अनाथ पिंडक जो है एक ऐसा उपासक था जो लगभग रोज आता था जेतवन विहार में, तीनों टाइम में जातक कथा में आता है, सुबह भी कुछ दान लेकर के आता था, फिर दोपहर में प्रभु के दर्शन करता था, फिर शाम को भी आता था। अब उसके बिल्कुल घर के मेंबर की तरह है, वो हर चीज़ अपनी आके बताता है बुद्ध को। तो एक बार वो आकर के बताता है इस तरह, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्तमान कथा में लिखी हुई है। वर्तमान कथा में क्या लिखा है कि अनाथ पिंडक ने आकर कहा, भंते देखिए ना, कल मैं अपने ग्राम भोज गया था और वहाँ से आते आते लेट हो गया, तो लेट हो गया तो फिर मैंने बैलों को भी कुछ खाने को नहीं दिया और मैं जल्दी जल्दी आके घर पहुँचा, पता नहीं रास्ते में लूटमार होता हो सकती थी, मैं आकर के फिर घर पे ही जो खाना वाना था खा करके फिर मुझे जाके संतोष हुआ। अब यही कहानी है वर्तमान कथा में। अब आप पूछेंगे तो इसमें क्या समस्या है, ये तो छोटी सी बात आकर इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या समस्या है? मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा कि इसमें क्या समस्या है, लेकिन दो कहानियों के बाद फिर आप बता पाओगे कि क्या क्या समस्या। अभी आपको हो सकता है उस वो ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं मिला जो कि बताए कि इसमें क्या समस्या। इसमें ये है, हम शास्त्र ये बता रहे हैं कि आपको करुणा करनी है, जीवों के प्रति करुणा करनी है। आपने बैलों को वहाँ से हाँका है, डंडे मारे हैं, है ना, क्योंकि लेट हो गया है, उधर से इकट्ठा अपना जो ऋण उगा करके आप आ रहे हैं, आपके पास पैसा है। अब आप सोच रहे हैं कि रास्ते में कहीं लूटमार ना हो जाए, कोई रोक लेगा, है ना, कोई रैंसम कोई परेशान करेगा, इससे अच्छा है मैं जल्दी से घर पहुँचूँ। बैल भी सुबह से लगे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं है, है ना, और खुद अनाथ पिंडक भी इसी तरह लगा हुआ है, तो वो मतलब एक रश कर रहा है, घर जाने के लिए रश कर रहा है, और उसमें उससे ये करुणा जो है वो नहीं हो पाई। बैलों को बल्कि एक दो ऊपर से लगा भी दिया कि जल्दी चलो, है ना, ठोक भी दिया। अब एक तरफ आप कहते हैं कि करुणा रखिए, तो करुणा तो मैं कर नहीं पाया भगवान, और दूसरी आप कहते हैं कि मैत्री रखिए, मेत्ता भावना, और मैं ये सोच के बैठा हूँ कि रास्ते में सारे चोर उचक्के हैं, कहीं रोक दिया तो हमको कोई पकड़ लेगा, तो हमारी मेत्ता भावना तो ख़त्म हो गई नहीं। तो ये दो तरह से मैंने बुद्ध शासन का पालन नहीं किया, है ना, दोनों भावनाएं मेरे में नहीं है। इस बात की अनाथ पिंडक को ग्लानी है कि भैया भगवान नहीं कर पाया, मैंने गलत किया कि सही किया, ये मैंने पाप किया, है ना, इसका क्या निवारण है, जो भी उन्होंने आकर अपनी ये व्यथा बता दी। अब पाठक के रूप में आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन शास्त्र समझ पा रहे हैं, जब वो आकर के कह रहा है तो भावना, अनाथ पिंडक की भावना शास्त्र समझ पा रहे हैं कि ये क्यों ऐसा पूछ रहे हैं। तब उसके उस चित्त का प्रबंधन करने के लिए, ताकि उसकी ग्लानी दूर हो, वो एक कहानी कहते हैं, है ना। और कहानी देखिए क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो वर्तमान कथा में है, वही अतीत कथा में है। फर्क कितना यह है कि जो शुरू में दो लाइनें जो मिलेगी, वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त है, उनका शासनकाल में बोधिसत्व जो है वो एक वाराणसी का सेठ है, और उस वाराणसी के सेठ को अपने मित्र ने निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए। वो भोजन करने के लिए गया है उसके गांव में, लेकिन लौटने में हो गई देर, और वो भी अपनी गाड़ी को ठीक, बैलों को ठीक उसी तरह ठोका, है ना, मारा और घर पहुंच गया, है ना, घर पहुंच करके हो गया काम उसका कंप्लीट, है ना। बस यही कहानी है, ऊपर भी यही कहानी, नीचे भी यही कहानी, अंत में लिख दिया जाएगा कि बोधिसत्व, वो जो वाराणसी का जो सेठ था वो बोधिसत्व था, और बोधिसत्व और कोई नहीं तो मैं था, यानी शास्त्र कह रहे हैं वो मैं था। यानी प्रकारांतर से क्या कहा जा रहा है
कि सेठ जी आपने कोई गलत नहीं किया, आप तो फिर भी अभी ऋण असूली करके ला रहे थे और मैं तो भोजन करने के लिए गया था खाली, मेरे पास कोई ऐसा कैश भी नहीं था कि जिसका मुझे डर हो, लेकिन इसके बावजूद मैंने वही किया था क्योंकि लेट हो रहा था, इसलिए मैं घर उसी तरह बैलों को हाँक करके ले आया। तो तुमने बहुत कुछ अनुचित नहीं किया है ना, जो किया तुमने वो सम्यक था। सम्यक तो अब आप समझ गए, सम्यक था यानी ठीक है। तुमने थोड़ा जो बुद्ध शासन में कहा गया अभी करुणा करनी, उससे थोड़ा सा तुमने विचलन किया, लेकिन इतना टॉलरेबल है, इतना टॉलरेबल है, एक क्षम्य है, इतना किया जा सकता है ना। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ से एक एक जो मैनेजीरियल डिसीजन आ रहा है जो हमारे इंडस्ट्री से बहुत मेल खाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। मान लीजिए एक चीज़ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कि 6 मिलीमीटर रॉड आपको प्रोड्यूस करना है, अब एग्जैक्ट 6 मिलीमीटर नहीं हो पाता है, 15-20 के बाद 0.01, 0.02 ऐसे करके उसमें वेरिएशन आने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो ये जो डेविएशन है आपको एक लिमिट तक रखना पड़ता है कि भाई ठीक है भाई हम 6.5 तक टॉलरेट करेंगे, इसके बाद का हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन रुकवा देंगे, अपना सिस्टम को ठीक करेंगे और तब आगे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमारे व्यवहार में भी इस तरह के विचलन होते हैं, डेविएशन होते हैं। इसलिए मान लीजिए किसी से कहा जाए कि तुम झूठ नहीं बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना है, ये परम सत्य है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक लाइफ में है संभव कि एकदम झूठ नहीं बोलना है? कहीं अगर आप झूठ बोल के किसी की जान बचा लेते हैं तो आपका ये नियम पालन करना ठीक है कि झूठ बोलना ठीक है, सच बोलना ठीक है कि झूठ बोलना ठीक है? अब बताएं, हाउस बताएं, अगर किसी की जान बच रही है आपके झूठ बोलने से, तो आपका सच बोलना ठीक है कि झूठ बोलना ठीक है? तो यानी आप वहाँ डेविएट कर रहे हैं, लेकिन डेविएशन किसके लिए कर रहे हैं? एक बड़े पर्पस के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे डेविएशंस इन कहानियों में मिलते हैं हमको, कि डेविएशंस जो आपके टॉलरेबल हैं वो ऑप्टिमम की संज्ञा में आ जाते हैं, वो सम्यक गिने जाएंगे। लेकिन एक सीमा के बाहर अगर आप चले जाते हैं, है ना, मान लीजिए आप झूठ बोल रहे हैं किसी को ठगने के लिए, झूठ बोल रहे हैं किसी को डैमेज करने के लिए, है ना, किसी का गला घोटने के लिए, है ना, किसी को लूट लेने के लिए, तो वो आपका झूठ पाप है ना, वो गलत है, वो टॉलरेबल नहीं है, है ना। इसका मैं एक और उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जैसे आपने एक रूल बनाया कि भाई ड्राइव लेफ्ट, या आप बाएं तरफ चलिए, एक कानून बन गया। अब बाएं तरफ जाने से आपको सबको मालूम है भी एक ट्रैफिक में सुविधा होती है। अब मान लीजिए आप बाएं तरफ जा रहे हैं और सामने जाम लगा हुआ है, अब आप कहें कि हमको तो बाएं बोलने का, बाएं चलने का ही आदेश है, हम तो दाएं जल हटेंगे अभी नहीं, तो क्या आप जा पाएंगे? थोड़ा सा तो आपको डेविएट दाहिने होकर के फिर आगे बढ़ करके फिर बाएं हो जाइएगा, है कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकल है। इतना जो डेविएशन है कि लेफ्ट से राइट चले जाने का, मान लीजिए वो टॉलरेबल है, आपने नियम को तोड़ा, लेकिन नियम तोड़ने की एक जो मर्यादा है वहाँ तक ही तोड़ा, है ना, उसके बाद में फिर आपने नियम का पालन करना किया। और चूंकि वो इसलिए था कि एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है, वहाँ पर आपको नियम तोड़ना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस तरह की जातक कथाएं आपको मिलती हैं। मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें ये मैनेजमेंट की स्टाइल आती है, जिसको हम लोग कहते हैं डेविएशन मैनेजमेंट। आप तमाम कॉरपोरेट सेक्टर्स में जाएंगे, वहाँ एक फार्मूला दिया होता है, +-3 सिग्मा, है ना। मैं उसकी कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फार्मूले से समझा दूंगा कि वो सिग्मा कैलकुलेट करके, फिर 3 सिग्मा कैलकुलेट करके, फिर वो बताया जाता है कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पर कि हम ये डेविएशन कर लेते हैं और उसको ऑप्टिमम कहा जाता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। अब ऑप्टिमम क्या होता है, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। सम्यक जिसको कहते हैं, सम्यक वो चीज़ है
जो न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है। अर्थात वीणा की तार है ना, ये तो बुद्ध ने कहा, वीणा की तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो कोई धुन ही ना निकले, कोई बज ना सके। तो ये सम्यक जो है कि वीणा की तार को कितना कसना है, यानी सम्यक रूपेण आपको कसना है, आपको जीवन में भी इसी तरह से सम्यक रूपेण ही अपना मैनेजमेंट करना है। बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, बहुत कम पढ़ना भी नहीं है, है ना, बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं कि व्यायाम भी नहीं करना है कि आप कुछ पढ़ ना सकें थक जाएं, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल शरीर ही खराब नहीं कर लेना है। इसी तरह से आजकल देखिए जो हमारे यहाँ मोबाइल की चर्चा होती है कि बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा भी मोबाइल यूज़ नहीं करना है और एकदम ज़ीरो भी नहीं करना है, उसका फ़ायदा भी हमको मिलना चाहिए मोबाइल का। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको ऑप्टिमाइज करना है ना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ऑप्टिमाइज हर जगह आप पाएंगे कि एक ऑप्टिमाइज करने का जो प्रोसेस है ये बहुत सार्थक है, यानी आपको अति नहीं करनी है। अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारा संस्कृत का भी वाक्य है अति सर्वत्र वर्जयेत, लेकिन अति की मैं जो बताना चाहता हूँ कि दो बिंदु हैं अति के, एक तो बिल्कुल 100% पर है और एक 0% पर है। 0% वाला भी एक अति है, आप जो है आप बिल्कुल मान लीजिए आप अपने बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करते, एकदम 0%, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप 100% प्यार करते हैं माने आप बिल्कुल आपकी आसक्ति बनी हुई है, तो बच्चे क्या होगा, लाड़ प्यार में बिगड़ जाएंगे, है ना, ये व्यवहारिक है। तो आपको एक ऑप्टिमाइज करना है। इसी तरह से क्लासरूम में भी आप जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो आप पाते होंगे कि भाई जो शिक्षक बहुत तेज़ बोलता है हाई वॉल्यूम पर वो भी बच्चों को पसंद नहीं, और जो बहुत धीरे बोलता है तो सुनाई नहीं जाता है, तो वहाँ भी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है ना। और आप पाएंगे भी चीनी या नमक में भी बहुत ज़्यादा चीनी है तब भी आप नहीं खा पाएंगे, और एकदम चीनी नहीं तो भी फीका स्वाद है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ भी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नमक मसाले हैं वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का अर्थ है कि ऑप्टिमम का जो सिद्धांत है वो आपको अतिवाद से बचाता है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। भगवान बुद्ध का ये जो संदेश है ये जातक कथाओं से बार बार उभरता है कि आपको एक्सट्रीम नहीं करना है किसी चीज़ को, चाहे वो लोअर साइड पर हो, चाहे जीरो वाली साइड पर हो, अथवा वो 100% वाली साइड पर। अगर आप अति पर पहुंच जाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला नहीं है। मैनेजमेंट का ये पहला सिद्धांत आप पाएंगे कि लागू है। आप मान लीजिए किसी भी शासन व्यवस्था को देख लीजिए, अपने परिवार की व्यवस्था को देख लीजिए वगैरह वगैरह। मैं बोर लगता है कि चेहरों से लग रहा है कि अब उबाऊ हो रहा है, खैर मैं इसको कट शॉर्ट कर देता हूँ सर, समय भी हमें लगता है ख़त्म हो रहा है। तो जो इसका मूल मंत्र है, मूल मंत्र सम्यक के रूप में है। अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ा है ना सर? प्रश्न के लिए जी, अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ा है, 8 है ना, उसमें सम्यक की बार बार वाणी आई है। भगवान को सम्यक संबुद्ध कहा जाता था, उसका कारण क्या था कि सम्यक के बारे में उनका पूरा नॉलेज है। हम लोग हैं, हम लोग गलती कर कर के अपना सम्यक निकालते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट्स हम लोग अपना सम्यक तय करते हैं कि हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितना खेलना चाहिए। इस तरह से सम्यक जो है प्रयोग द्वारा हम मालूम करते हैं। तो सम्यक का जो है सिद्धांत ये आपको हमेशा लाभकारी रहेगा, और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करके जाता हूँ कि ये रहा सम्यक, और 547 कथाएँ हैं, और प्रश्न आपके होने चाहिए, मैं उत्तर के लिए यहाँ मौजूद हूँ। कोई भी प्रश्न आप करें मुझे खुशी होगी। गुरु जी एक ये थम्पत 8 कथा, ये बहुत दिन से मैं ये खोज रहे थे लेकिन जी नहीं जी मिल रहा है बनारस में। जी जी जी, तो ये कहाँ से मिलेगा आप ये बता सकते हैं? एक ये कौन सी कथा का नाम? ये थम्पत 8 कथा, जैसे आप कहा था ये 6 वॉल्यूम वाला। जी सर जी,
ये देखिए सर, ये पाली और हिंदी ट्रांसलेशन, पाली और हिंदी का ये देखिए, एक तो ये है धम्मपद गाथा और कथा, ये मेरे पास ये आपके पास है बोला, हाँ ये वाला, लेकिन खोज रहे थे नहीं मिल रही है जी, इसका ये छपा था यहाँ, छपा हाँ जी कमचा में 2000 में जी सर। बहुत बढ़िया अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी धम्मपद की गाथाओं का उपलब्ध है, ये आपको ताइवान में एक फाउंडेशन है, ये पुस्तक मैं सर के पास रख जाता हूँ, इसके पीछे एड्रेस दिया हुआ है ना, ये ताइवान से छपी किताब है ना, और इसमें आपको धम्मपद की सारी गाथाएं और कथाएं मिल जाएंगी है ना। अब लेकिन ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये मेरे मतलब का निकल गया, इसलिए कि देखिए धम्मपद की जो अठ कथाएँ हैं और जो जातक की अठ कथाएँ हैं, दोनों में मूलभूत अंतर है ना। बुद्ध घोष ने बहुत सारी अठ कथाएँ लिखी हैं, अभी धम्मपिटक की भी अठ कथा है ना, और धम्मपद की तो है ही है, आपको हजारों की संख्या में अठ कथाएँ मिलेंगी, लेकिन जो जातक की अठ कथाएँ हैं उनकी विशेषता ये है कि उन सब में पहले पच्चुपन्नवथु का एक भाग है, यानी जो वर्तमान कथा है आपको धम्मपद की किसी भी कथा में वर्तमान कथा नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य वो नहीं है, धम्मपद की जो कथाएं हैं उनका उद्देश्य प्रबंधन की शिक्षा देना नहीं है। जातक की जो अठ कथाएं हैं वो खास करके बनी हैं इसीलिए ताकि प्रबंधन की शिक्षा दे सकें, और इस बात का सबूत है इत्सेन जो चाइनीज ट्रेवलर यहाँ आया था, वो विक्रमशिला, नालंदा और तमाम विहारों में उसने अपना देखा, और उसके बाद अपने ट्रेवलॉग में लिखता है कि जातक जो ग्रंथ है ये हमें हर विभाग में पढ़ाया जाता मिला, यानी जो निघंटु पढ़ रहा है या जो योग पढ़ रहा है, जो दर्शन पढ़ रहा है, उन सब में भी सारे विद्यार्थियों को जातक एज ए कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और उसकी वजह यही है कि आपको प्रबंधन जो है वो आपको हर क्षेत्र में चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है या आपके होटल चलाने का क्षेत्र है, आपके फैशन डिज़ाइनिंग का क्षेत्र है, हॉस्पिटल चलाना है, घर चलाना है, हर जगह आपको प्रबंध शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हर भिक्षु के लिए ये आवश्यक था कि वो प्रबंध शास्त्र की शिक्षा उसे दे दी जाए। अब MBA की तरह हमारे यहाँ उस समय इंस्टीट्यूट नहीं बने थे, नालंदा में ये वाली शब्दावली भी नहीं थी जो आज है, ये आया है मॉडर्न मैनेजमेंट वाला जो किस्सा आया है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आया है, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो हमारे वहाँ के विद्वानों ने जो मॉडर्न मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो मॉडल प्रस्तुत किया है, उसमें सिर्फ एक भावना मुझे देखने को मिलती है और वो है शोषण, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो किसी तरीके से, जिसका आप उदाहरण अभी देख रहे हैं कंज्यूमरिज्म, जिसका एक बहुत बड़ा अभी अभिशाप के रूप में हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड मार्केट को उसने तबाह किया हुआ है ना। तो हम जो मॉडल यहाँ से निकल रहा है जातक कथाओं से वो ज़्यादा मानवीय है, उसमें पूरे समाज का चिंतन है, वहाँ एक ऐसी स्थिति है जो सबके लिए संतोषप्रद हो, लेकिन आपके मॉडर्न मैनेजमेंट में वैसा नहीं है, मैनेजमेंट में तो आपको मालूम है जो कहता है, डॉक्टर जो है वो लाश का इलाज करता है और पैसे लेता है ना, मैं एक बहुत अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे केसेस आए हैं है ना, तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट है। तो इस हिसाब से जो मुझे ये मॉडल रूप जो जातक कथाओं में उभर के आता है, आपको हर क्षेत्र का पर्सनल मैनेजमेंट की कहानियाँ हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानियाँ हैं, आपके सीनियर सिटीजन्स मैनेजमेंट की कहानियाँ हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट की कहानियाँ हैं, बहुत ही समृद्ध साहित्य है और बहुत अच्छी भावनाओं के साथ उसे वो चीज़ देता है, संदेश देता है। आपका और कोई प्रश्न हो अच्छा लगे जी सर। गुरु जी एक ये अभी जैसे खरगोश का जो कहानी है ना जी, तो इस प्रकार का कुछ कहानियाँ मिलते जुलते हुए वो पांच तंत्र में भी आते हैं जी जी, तो आपने तो इसके ऊपर PhD किया है हाँ। तो कि एक दूसरे से कॉपी किया या अलग अलग है या नहीं सर? जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। पंचतंत्र की कहानियों का आप देखेंगे विष्णु शर्मा जी ने जो लिखा है, विष्णु शर्मा जी ने वो राजा के उच्छृंखल बच्चे थे, अब उनको पढ़ाना आसान नहीं था, तो विष्णु शर्मा जी ने कहानियों के माध्यम से राजनीति को पढ़ाया है
प्रबंधन को नहीं पढ़ाया, दोनों में फर्क है। देखिए राजनीति को पढ़ाया है, कैसे फूट डालो, आप समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ों का उन्होंने ज़्यादा विश्लेषण करके कहानियों के माध्यम से बताया। जबकि हमारे यहाँ जातक अठ कथाओं में जो है इसके विपरीत है, विपरीत यह कि जो मानवीय पक्ष है उसको लेकर के राजनीति से दूर रख करके, यानी एक जो सर्वजन हिताय बहुजन सुखाए इस ढंग की बात जी, मेरा पूछने का ये है कि उसका ओरिजिनलिटी जो है ना, किसमें अगर सेम कथा है एक ही है तो पहले उसमें पंचतंत्र में आया होगा या इसमें आया? पहले तो जातक कथा पंचतंत्र में तो कॉपी नहीं है सर, पंचतंत्र की कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। जो जातक की कहानियाँ हैं इनकी अपनी विशेषता है, इसमें पहले वो जगह आएगी जहाँ पर शास्त्राचारिका कर रहे हैं, नंबर वन, पहली बार ये पूरी इन्फॉर्मेशन है जातक के जीवन, जो बुद्ध के जीवन पे, जहाँ पे वेणुवन में रहे हैं या वैशाली में रहे हैं या जेतवन में हैं, अभी कहाँ पर हैं, उस जगह की कहानी है ना। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपके सारनाथ की एक कहानी मुझे मिली, ये हमारे सारनाथ में ऐसा बताते हैं कि भगवान यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन करा के आगे चले गए, फिर हो सकता है कालांतर में यहाँ विहार बना होगा और फिर यहाँ वापस आए होंगे, तो उसकी एक कहानी है ये, इसका मैं आपको नाम बता के जाता हूँ ताकि आप देखें अगर तिब्बतन में भी है कि नहीं है। मैं आपकी लाइब्रेरी में गया था, है ना, तो तिब्बतन में जो जातक कथाएं हैं वो लगभग 100 हैं, तो 100 में मुझे नहीं पता कि ये सारनाथ वाली कहानी है कि नहीं, ये 271 नंबर की कहानी है, 271 जातक अट्ठ कथा में 271 नंबर की कहानी है, उदपान दूषक जातक। और देखिए इसमें कथा बहुत ही सिंपल है कि वो भिक्षुओं ने एक जलाशय बनाया है उस जमाने में जब बुद्ध जीवित थे, और वहाँ चारिका कर रहे हैं, और वो जलाशय एक सियार जो है वो दूषित कर देता है, मलमूत्र वहाँ त्याग देता है, तो भिक्षुओं ने उसको ढेले मार के उसको भगाया, और उसके बाद फिर वो सियार नहीं आया, है ना। तो धर्मसभा में ये चर्चा हो रही है कि देखिए ना, इस तरह से सियार को जब से मारा वो फिर नहीं आया। अब वहाँ पर देखिए ये 55 वत्थु में वर्तमान कथा में, अब इसमें समस्या क्या है, बस इतनी लाइन, इतनी इन्फॉर्मेशन दे के छोड़ दी, अब यहाँ समस्या क्या है बता सकता आप में से कोई कि इन लाइनों में क्या समस्या दिख रही है? समस्या ये है कि आप बुद्ध के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप ढेले मार रहे हैं, यानी वो भी तो एक प्राणी है, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि उसको ढेले मारना, लेकिन आपने उसको मारा है ना। तो बुद्ध क्या कहते हैं, वो अतीत कथा के द्वारा, वो किसी को डांटते नहीं हैं, उनका प्रबंधन का तरीका बिल्कुल प्यार वाला है, उसके चित्त का प्रबंधन करना है, वो अतीत कथा के द्वारा करेंगे। तो अतीत कथा में क्या आता है, वही शैली, वाराणसी नरेश है, बनारस का राज्य है, बोधिसत्व है, बोधिसत्व क्या एक आचार्य है, ठीक है, उसमें बोधिसत्व एक आचार्य है, उसके जो शिष्य हैं उसी तरह से एक बनाए हुए थे जलाशय, एकदम सेम स्टोरी, और वो सियार जो है वो आकर के दूषित कर देता है। तो ये जो भिक्षु हैं, ये जो शिष्य हैं इनके, ये उसको घेर लेते हैं, निकलने नहीं देते हैं, मतलब मारे नहीं, देखिए घेर के उसे आचार्य के पास ले आते हैं। तो आचार्य उससे पूछते हैं, है ना, कि इतनी मेहनत से तो ये बनाया था जलाशय और तुम इसको गंदा कर दिए। तो सियार कहता है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, तो हम लोगों का काम है, ये तो हम लोगों का धर्म है। तो वो आचार्य कहते हैं, अब देखिए ये सियार कह रहा है कहानी के रूप में लीजिए, कि ये तो हम लोग का धर्म है, हमारे बाप दादाओं ने यही सिखाया है कि मतलब इसी तरह करना, जहाँ पानी पीना है वहीं मूत्र कर दें। तो वो कहते हैं कि अगर यही तुम्हारा धर्म है तो तुम्हारा अधर्म कैसा होगा भाई, है ना, इसलिए अब भाई आगे इसके बाद मत आना यहाँ पर, है ना। तो वो इस तरह से उसको मैनेज कर दिया, है ना, वो सियार उसके बाद नहीं आया। तो कहने का अर्थ कि उसी बात को मान लो तुम ढेले नहीं मार करके किसी और तरीके से एक बाड़ बना देते या और कुछ फेंसिंग कर देते ताकि फिर वो नहीं आता, तो वो भी एक सोल्यूशन था, कहने का ये मतलब है, है ना। और वहाँ बोधिसत्व जो है वो आचार्य है, और लास्ट में एक पंक्ति आपको मिलेगी कि बोधिसत्व और कोई नहीं, मैं ही था। तो यानी आपको घुमा करके वो एक सोल्यूशन दे रहे हैं बोधिसत्व के माध्यम से कि तू ठीक है ढेले वेले ना मारते, कोई ऐसे फेंसिंग कर देते तब भी नहीं आता। कई बार हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे ही करते हैं, कोई आदमी हमारे पास, कोई फ्रेंड आके बोला कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे ट्रेन में, हम जा रहे थे, है ना, तो मैं स्लीपर क्लास में चढ़ गया और उसने इतना फाइन कर दिया ये वो, है ना, ऐसे करके आके।
तो मैं उसको बोलूँगा, अरे ऐसा तुम उसे बोले होते कि सर गलती से मैं चढ़ गया, आगे मैं उतर जाऊँगा, ऐसा करके, तो हो सकता है तुमको माफ़, हमको तो माफ़ कर दिया था। अब देख रहे हैं, तो मैं उसको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, एक कहानी मैंने भी बता दी, उसने कहानी बताई, मैंने भी एक कहानी बता दी और उसमें उसको सोल्यूशन दे दिया। तो ये सर एक टेक्निक है सिर्फ, मेरे कहने का मतलब कि ये एक प्रबंधन की एक शैली उसमें बताई गई है और जातक कथा से ये बहुत ही बहुत अच्छी सीख मिलती है। मैंने आपके, मैं बताऊं, ऐसी कहानियां हैं, कोई उपासक आके बुद्ध के पास आया है, पूछते हैं उपासक क्या हुआ, बहुत दिनों बाद आ रहे हो, तो भंते वो मेरी जो घर वाली है वो बहुत तंग कर रही थी, ये वो करके उसने अपनी समस्या बताई कि मैं इस वजह से नहीं आया। अब उसको एक कहानी के द्वारा बताया जाता है कि तुमको इस तरह से अपने मैरिटल रिलेशंस का मैनेजमेंट करना चाहिए। अब इतनी अच्छी कहानी है, तो मतलब आपके आज की हर समस्या की, मतलब मुझे इसमें कहानियाँ सॉल्यूशन मुझे मिला, तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ कि भगवान ने देखो इतनी पहले से ही, 2000 साल पहले की ये कहानियाँ लिखी गई हैं। हमारे यहाँ की जो भ्रष्टाचार की भारतवर्ष की समस्या थी, अन्ना हजारे उसके लिए अभियान चला रहे थे और इसमें भ्रष्टाचार प्रबंधन की 36 कहानियाँ मुझे मिली। उस समय भी कौशल नरेश के राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार तो शुरू से था, ऐसा नहीं है कि भाई, लेकिन डेविएशन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है उसकी कहानी भी है, उसको कैसे मैनेज करना है। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है, 5 रुपये 10 रुपये, उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी भी कहानी है। तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसमें जातक कथाओं में आपके सम्यक की बात है, कि सम्यक किस तरह से आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हो। आइए कोई और प्रश्न। It's just a personal question, but related with the Jataka tales. Mm-hmm. Sometimes I feel right with my mentally management, but physically maintenance get poor in same time. So regarding Jataka tales, do you have any solutions to unite mentally and physical management as one? Mm-hmm. Yes, why not? Yes. There are certain stories where a monk or a nun, although there are few stories about nuns, but nunnery was there in Jetavan, and this is confirmed. So a problem of the nun is also discussed. For example, she is more infatuated to garlic. She takes more of garlic. So she goes to a farmer who had told the Sangha that whenever you need garlic, please come to me, hai na? I will give. So she goes there and the farmer tells ki now it is, the stock is finished, but the I have to take from the field. So better you go to the field and take garlic. Now she goes there with the two of her friends, hai na? And they collect so much of garlic that the person who was there in the field, he started abusing the Sangha and Dhamma, but they have taken it. And this is a matter of talk in the Dharma Sabha, that this Bhikshuni has collected so much and that person was, abusing like a silly person, hai na? This is reported to Shasta. Now Shasta has a solution for this and tells a story in the same way. Bodhisattva is there and at the end a Shikshapad is made that henceforth no garlic will be allowed. So what I mean to say is ki sometimes the management takes a harsh decision. Because Shastra never wanted that our Sangha becomes a burden on the society. Isn't that? Now, your question is not coming to this, but a balancing of the two, a physical and mental. Now, mental means infatuation. You are infatuated with something, and because of that, we are not able to think anything other. And because of that, your physique is getting
disturbed or physique is getting affected. So a optimization of the two has to be done. That means either the thing which infatuates you has to be stopped. Isn't that like this in garlic was stopped to be brought for the nuns? Okay. Similarly, there is a story about a nun who goes to a colony of the Sravasti, where she gets lot of things to eat. Okay. But she comes to her friends and tells, look, don't go to that side. For example, Anand Vihar or Sravasti was a very big city. Don't go to that side. There are many dangerous the bulls and those rams, they may hit you. And people are also not generous. They don't give you anything, you see. She tells, against that colony. But once what happens, she meets an accident in that colony and people bring her to the monastery and they tell that she was in the same colony. So her friends laugh at her that, look, she was forbidding us, but she is herself going there. So what I mean to say is, now this is a management story. How? Management story, sir, in this way that in the monastery, nobody knows that where is that girl, where is that nun going, or where is that bhikshu going. People are coming to the sangha asking for the monks or nuns that they should come to. They invite the monks. So still that time, there was no record. So Shastra tells a story in Atitvathu where he stresses upon the necessity of keeping a record where which nun is going. So it is like an attendance register. So I tell many people that, see, look here, the idea of this register, that coming, noting down where one employee is going, there should be a record who is going to which side. So this is a managerial solution given by Shastra in the Jataka stories. But he never scolds somebody. He tells only through a story that this is how it can be managed. So maybe I could not touch upon your question rightly. Is it okay? But you have to optimize. Optimizing is by experimentation. Last question. Right? सर हमारा जो पद्मोक्ष संवर जो है वो एक मटके की तरह माना जाता है जी अगर हम हत्या आदि करेंगे तो हमारे जो पद्मोक्ष संवर जो है वो मटके की तरह टूट जाते हैं एक वातावरण के अनुसार हमें अगर हत्या करना पड़ जाए तो इस वातावरण में हमें हत्या करना चाहिए कि या अपने पद्मोक्ष को ये क्या करें उसको स्वीकार करने चाहिए जी सर जातक कथाओं में ऐसी कुछ कहानियां हैं जहां बोधिसत्व मर्डर करता है ना लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए तो अगर उस रूप से देखें जैसे हिंसा हमारे बुद्ध शासन में बुद्ध वचनों में बिल्कुल निंदित है ना नियम नहीं है हिंसा का परंतु कई जगह ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां बोधिसत्व हिंसा करता है लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो बड़ा पवित्र उद्देश्य है बड़ा ऊंचा उद्देश्य है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं कर रहा है हिंसा वो समाज के लिए अपनी जाति के लिए है ना अपने मानव कल्याण के लिए वहाँ वो ऐसा कर रहा है तो मैं अगर आपके प्रश्न का इस तरह जवाब दूँ कि ये उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आपको सम्यक का निर्णय करना पड़ेगा है ना अगर आप उस तरह का मैंने आप देख रहे हैं कि वहाँ मुझे हत्या करनी पड़ रही किसी बड़े दायित्व के लिए है ना मसलन जैसे आप देश की रक्षा कर रहे हैं है ना या अपने परिवार की रक्षा में अगर आपके प्राण मतलब ये आवश्यक हो जाता है कि आपको हत्या करनी है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा पाप नहीं होगा मुझे सर से भी पूछना पड़ेगा इसके बारे में क्योंकि जातक कथाओं के आधार पर तो मैं इतना कह सकता हूँ वेरी
Thank you, sir. I appreciate your all respond to the question. Thank Just you, in sir. Addition to the question of Datnan, I wanted to add one thing. That is, of course, there are very few stories about Nun in Jataka. But if you have to know something more about nuns, you should follow Theri Gatha, which is in Pali. And it's all about why she took the monastic vows, why she came to monastery, and why she has taken the vow, and her background, her past stories, and what she realizes after having ordained. So if you have to follow Nun, please follow Theri Gatha. Thank you very much. डॉक्टर चावला जी को यहाँ भी आज हमारे सानिध्य में आ करके यहाँ जातक कथाओं को फिर मैनेजमेंट के दृष्टि से प्रस्तुत करने के लिए और जितना आपने काम किया पहले पीएचडी से लेकर के अभी बहुत सारे फिर यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में मैनेजमेंट स्कूल्स में जा कर के प्रबंधन एक कथा के माध्यम से आप बता रहे हैं और उस कथा के भीतर एक वो संदेश छिपा हुआ है और वो संदेश किस तरह से प्रकाशित किया जाना चाहिए वो भी आप बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं तो उसके लिए मैं फिर चाहता हूँ कि आगे भी कहीं हमारे किसी डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड आएगा तो आपको फिर से यहाँ आकर के फिर ये प्रबंधन के माध्यम से कथा के माध्यम से प्रबंधन की जो एक वो है दर्शन या विधि फिर उसको बताने का कष्ट करेंगे और ये कथा मैं समझता हूँ कि खास करके पेडगोजिकली हमारे CTE सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन के स्टूडेंट्स द एस्पिरेंट टीचर्स वैसे तो अधिकतर एस्पिरेंट टीचर्स हैं लेकिन आप लोग प्रोफेशनली एस्पिरेंट टीचर्स हैं तो आप लोगों को जानना चाहिए कि फिर किस तरह से हम जातक कथाओं को फिर एक संदेश के साथ रोचक ढंग से हम प्रस्तुत करके फिर लोगों में परिवर्तन और शिक्षा दे सकें हम लोगों ने भी यहाँ परम पावन दलाई लामा जी का एक वो है एंशंट इंडियन विजडम को लेकर के फिर इंडियन स्कूल्स में जाने के लिए एक योजना है स्कूल्स के सिलेबस बनाने के लिए तो अभी हम लोग उसमें सांख्य है वेदांत है मीमांसा है वैशेषिक न्याय है जैन है बौद्ध है तो षट छः दार्शनिकों का विद्वान बैठे हैं और उन छः दर्शन में फिर किस तरह से उन दर्शनों में दर्शनों का एक सार भूत तथा इसके साथ साथ इसके एक मानवीय शिक्षा कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके साथ साथ भारतीय दर्शन का अब क्लास 9 तक है तो बहुत गंभीर उसमें नहीं लाया जा सकता लेकिन एक मौलिक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी उसमें लाने के काम लोग प्रयास करते हैं क्लास 1 से क्लास 3 तक क्योंकि फिलॉसफी लाएंगे तो उस वो फिर नहीं पढ़ा पाएंगे ना सीख सकेंगे ना समझ सकेंगे इसलिए जातक कथाओं के माध्यम से जहाँ तक बुद्धिस्ट लिटरेचर है वहाँ हम जातक कथाएं और बाकी हमारे इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं वो अपने अपने स्रोत के आधार पर फिर स्टोरीज लाते हैं और जातक कथाओं में एक जातक कथा तथा फिर उसी तरह के बहुत सारी कथाओं में कथाओं को एक कॉमिक के ढंग माध्यम से लोग पढ़ सकते हैं और आजकल फिर एनिमेशन करके भी है उसी कहानी को हम क्लासरूम में बताएंगे और उसी कहानी को ड्रामेटाइज करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि टीचर को ड्रामेटाइज करना होगा उसका जितने भी उसका वो है कैरेक्टर्स हैं हाँ तो वो फिर क्लासरूम में ड्रामेटाइज करके और फिर करते करते उससे क्या शिक्षा प्राप्त होता है वो फिर उसी समय फिर वहाँ कम्युनिकेट करने के लिए ट्रांसमिट करने के लिए ये एक हम लोगों ने क्लास 3 तक बनाया और क्लास 4, 5, 6 तक हमारा बेसिक फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं और
इसके साथ साथ बेसिक इमोशंस को हम वो कर रहे हैं, और क्लास 7, 8, 9 तक जो है फिर थोड़ा एडवांस्ड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स हम लोग बना रहे हैं। अभी तक जातक तक बन गए हैं, कहानी तक बन गए हैं, अब फिर बेसिक प्रिंसिपल्स का फिलोसॉफिकल जो वो है प्रिंसिपल्स उसका हम ढांचा हम बना लिए हैं। अब ये अगले मीटिंग में वो पारित हो जाएंगे, और फिर इमोशन क्लास 7, 8, 9 के लिए एडवांस्ड फिलॉसफी के साथ साथ कुछ न्याय और एपिस्टेमोलॉजी प्रमाण और फिर तर्कशास्त्र पर कुछ थोड़ा सा प्रवेश देने के लिए, ताकि बच्चों को ये पता चले कि तर्कशास्त्र क्या चीज़ है, इसकी उपयोगिता क्या चीज़ है। और फिर उसका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उन बच्चों को तर्कशास्त्री बनाया जाए और ना कि प्रमाण शास्त्री बनाया जाए, लेकिन लोगों को ये समझ में आए कि फिर तर्कशास्त्र क्या चीज़ है, इसकी क्या उपयोगिता है, और फिर प्रमाण शास्त्र का क्या उपयोगिता है। उतना मात्र अगर समझ जाएं तो फिर आगे जाकर के कॉलेज के लेवल आते आते फिर अपने आप भी पढ़ने लगेंगे, और फिर वहाँ सामग्री भी उपलब्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जो बीजारोपण हम कर रहे हैं उसका फिर एक अंकुरित होना और पुष्पित और फलवित होना फिर आगे वातावरण के अनुसार हो सकता है। क्लास 10, 11, 12 में हम लोगों ने बहुत विचार किया, और सभी विद्वान और फिर मेंबर्स का ये सुझाव था कि क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए फिर कोई माता पिता भी तैयार नहीं होंगे, और छात्रों के पास समय नहीं है, और माता पिता अपने कोर्स के अलावा फिर किसी चीज़ को पढ़ने के लिए अवसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो इसलिए वहाँ फिर लाएंगे तो फिर अरुचिकार हो जाएगा, और वहीं तक हम लोग ला रहे हैं। वहाँ तक लाते लाते अगर छात्रों का डिमांड काफ़ी है तो अभी तक हम लोगों ने ये प्लान किए हैं कि 9, 10, 11, 12 के स्तर तक, 10, 11, 12 के स्तर तक फिर हम कभी कभी जा कर के फिर भाषणबाजी करेंगे और व्याख्यान देंगे, कुछ रोचक प्रोग्राम्स कराएंगे। तो ये हमारा अभी ये फ़िलहाल जो है ये बनने के बाद कुछ स्कूल्स में हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर किस तरह आगे जा कर के इसकी स्वीकृति होती है उसी पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य आज के प्रसंग में यह है कि जातक बहुत ही एक ये संदेश, बहुत ही एक गंभीर संदेश रोचक ढंग से ये लोगों में ये प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। और फिर जैसे आपने कहा कि पहले इत सिंह वगैरह ने कहा है कि अपने वृत्तांत यात्रा वृत्तांत में कहा है कि ये हर विहार में फिर ये पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ भी पढ़ना चाहिए लोगों को। हर एक के साथ एक संदेश है और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और फिर बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुति की जा सकती है। तो आज डॉक्टर चावला जी आप आए और यहाँ प्रस्तुत किए, इसके लिए हम आभारी हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के एक प्रतीक के रूप में हम आपको कुछ ये खतक भेंट करना चाहते हैं। सौगन्य है।